अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम 18 फाइवर पर फाइल्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उन्हें ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। तो ये मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले इस पर फाइल को ओपन करेंगे और इसमें सबसे पहली चीज़ 100% कम्प्लीट। इसमें हम देखेंगे टैग लाइन को, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, लिंक्ड अकाउंट, स्किल्स और एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट फैक्टर हैं और ये लाजमी होनी चाहिए। अब जो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है वो ये चीज़, यहाँ पे बताना चाहिए था कि लैंग्वेजेस का क्या लेवल है। तो इस वजह से ये 95%। उसके बाद प्रोफाइल इमेज भी अच्छी है तो इसे हम लिखेंगे परफेक्ट। उसके बाद फाइवर की इमेज, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे कट हुई हुई है और ये वीडियो भी जो है ये इतनी ख़ास नहीं लग रही। मतलब यहाँ पे फेस ही नज़र आ रहा है और तो कोई चीज़ नहीं। अगर यहाँ पे एक अच्छी सी वीडियो होती, एनिमेटेड वीडियो या इस तरीके की, जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाता बायर को कि ये की किस चीज़ के बारे में है। तो मेरे ख्याल से तो ये वीडियो भी इतनी ख़ास कोई अच्छा आइडिया नहीं है। वाइट बोर्ड होती ज़्यादा बेहतर होनी थी, या आप अपने कंपटीटर से भी आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप की होनी चाहिए। तो इमेज ओके, क्योंकि इतनी ख़ास नहीं है, गुजारे लायक ही है। इसको अगर सर्च में लिखें तो आप देख सकते हैं ये कंपटीटर्स की काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव है। इस तरह की अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होती है। आप देख सकते हैं इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एक तो इसका इमेज का मसला है और ये वीडियोस भी सही नहीं है। उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन को देखें, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। और अगर कंपेटिटर्स की देखें तो उसने काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी है और उसमें उसने काफ़ी कीवर्ड्स भी यूज़ किए हैं। तो ये नीचे मैंने दो लिंक दिए हैं, यहाँ से आप 500 रुपये में इमेज डिज़ाइन करवा सकते हैं गिग की, प्रोफेशनल लेवल की। मैंने खुद पर्सनली इनसे करवाया था और मेरी कन्वर्जन रेट काफ़ी कम हो गया था। उसके बाद इनसे डिज़ाइन करवाई इमेज तो डबल हो गया था, मतलब सेल्स डबल हो गई थी। तो इस वजह से इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने पहले पेंट से बनाई थी, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से बनाते हैं। तो जो मेरी नज़र में तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थी, 500 रुपये लगा दें। तो उसके अलावा ये एक राइटर है, इनसे आप अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं अपने गीक के बारे में। 200-300 रुपया यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका। तो इन दोनों पे अगर आप कर लें तो आपकी एक ज़बरदस्त गीक तैयार हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे बैड लिखेंगे। अगर गीक टाइटल को लिखा देखा जाए तो अब ये देखें, इन्होंने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, काफ़ी वर्ड्स, और इधर ये एक सिंपल सी जनरल लाइन लिखी हुई है, डिज़ाइन एस ई ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस। तो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड ऐड किए जा सकते थे, इस वजह से इसे भी सिर्फ हम ओके देंगे। तो इसमें तीन होते हैं, मैंने एक रखे हैं, एक पहले नंबर पे बैड है, उसके बाद ओके है मतलब गुजारे लायक, और उसके बाद परफेक्ट। उसके बाद अगर इसकी प्राइस और डिलीवरी को देखा जाए तो गिग के इतने ख़ास रिव्यू भी नहीं हैं और प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा ही है। शुरू शुरू में हमें मुश्किल तो होती है, लेकिन $5 में हमें बना के देनी होती है शुरू शुरू में, जब तक हमारे कोई 10-15 लगभग ना हो जाएं। और उसके अलावा रिवीजन अनलिमिटेड होनी चाहिए और डेज डिलीवरी जो है वो 1 डे होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी मैं इसे बैठ दूंगा। इसके अलावा अगर नीच को देखा जाए तो नीच में काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं। और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो नीच मीडियम लेवल कह सकते हैं हम।
उसके बाद प्रोफाइल रिव्यूज़ कम से कम 10 होने चाहिए, 10 हों तो फिर जाके कहीं जो है ऑर्गेनिक शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक पर ही शुरू हो जाते हैं, अगर आपने अच्छी बनाई हो उसकी इमेज और डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको ओवरऑल अगर दिया जाए 100 में से, तो वो मैं दूंगा लगभग 40। इतनी खास अच्छी नहीं बनाई। उसके बाद दूसरी पे चलते हैं। तो इस भाईजान ने तो ये जो इमेजेस हैं उनकी तबाही फेरी है। एक्सट्रीमली बैड कहना चाहिए। इन भाई साहब को तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये ठीक है, ये ठीक है, ज़बरदस्त। मेरी नज़र में तो 100% ही है। सॉरी, प्रोफाइल इमेज अच्छी है, परफेक्ट। इसके बाद भाईजान की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यार ये ना असल में डाटा एंट्री का मेरी नज़र में तो दौर चला गया, ये कोई इतना खास स्किल नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक दो ही रिव्यू हैं, इसमें कोई इतने खास क्लाइंट्स भी नहीं है। ये वैसे बेकार काम है। अपवर्क पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फाइवर पे तो ये दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखी तो अच्छी है, इसको आप देख लेते हैं कहीं से कॉपी तो नहीं की। नहीं, ठीक है। अब ये हावर लीव, अल्लाह जाने ये इंग्लिश की भी तबाही फेरी हुई है इधर। सॉरी भाईजान, अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा क्रिटिक्स के मामले में मैं सख्ती हूँ। तो अंग्रेज़ जो है ना, वो एक एक लफ्ज़ को देख के तो फिर ऑर्डर करते हैं। हावरली का स्पेलिंग गलत है। उसके अलावा भी हो सकता है काफ़ी स्पेलिंग गलत हो, आप ग्रामरली में एक दफ़ा चेक कर लिया करें। गेट योर वर्क डन विद अस बिफोर ऑर्डरिंग, काइंडली कॉन्टेक्ट फर्स्ट, थैंक यू। ये नीच का ही ज़्यादातर मसला लग रहा है मुझे। इसके अलावा ओके से कह देते हैं, इतनी खास कोई कन्वर्टिंग नहीं है क्योंकि इसमें गलतियाँ भी हैं। और ये भी जेनेरिक लग रही है मुझे, मतलब ओके ही है, गुजारे लायक ही है, कोई इतनी खास प्रोफेशनल नहीं है। प्राइस को अगर देखा जाए, प्राइस ठीक है, ठीक, गुड। उसके बाद नीच बायर्स तो इन बैड है इस वजह से, और रिव्यू ज़ीरो हैं, और इस वजह से बहुत बुरी हालत है। इसको तो 30/100 देना चाहिए। उसके बाद इन भाईजान को देखें, टैग लाइन जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे आवर कस्टमर्स आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, इस तरह की हो इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पे आपने स्किल नहीं लिखने, वो ये जगह है जहाँ पे आपने लिखना होता है। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स भी आपने इतने खास नहीं किए मेरे ख्याल से, ये शायद लिंक नहीं हुए, ये शायद हुए हैं। तो ये तो मैं 80 कहूँगा। गीक इमेजेस, इनके बारे में मेरी नज़र में तो ये जो अपनी इमेज है ये इतना ख़ास अच्छा आइडिया नहीं है। फाइबर पे जो दूसरी प्रोफेशनल होती हैं वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। असल में नीचे का भी मसला है, इनमें इतना ज़्यादा आवाम नहीं है। अब अगर डिमांड ही ना हो एक चीज़ की तो सप्लाई का क्या फ़ायदा।
इन भाईजान ने सही तरीके की ऑप्टिमाइजेशन की है अपने टाइटल की, तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड किए हैं और से रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइल इमेजेस तो गुजारे लायक लगी हैं, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। प्रोफाइल इमेज ठीक है, परफेक्ट। अब गिग डिस्क्रिप्शन को देखें, आई शेल हेल्प यू टू इंटीग्रेट योर वर्डप्रेस फ्रॉम। ये पंचुएशन की गलतियां हैं इधर। वी हैव हेल्प्ड मैनी यूजर्स सॉल्व दिस एरर इजीली। ये तो जिसने देखना है उसने वैसे ही भाग जाना है। सही अट्रैक्टिव नहीं है कि यूज़र को कन्विंस किया जा सके। आई विल इंस्टॉलिंग नहीं होगा, आई विल इंस्टॉल होगा। तो अगेन सॉरी अगर आपको थोड़ा मेरा क्रिटिसिज्म बुरा लगे, तो मैं तो इसे बैड ही दूंगा क्योंकि इसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा गलती हैं। उसके बाद गिग टाइटल, ये भी इतना खास है तो अच्छा, काफ़ी हद तक दूसरों के मुकाबले में कीवर्ड अच्छे यूज किए हुए हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है, इसके आगे और वर्ड्स ऐड किए जा सकते हैं इन 24 आवर्स या इस तरह करके जो वर्ड ऐड होते हैं, तो उनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बाहर के आने के। अब कुछ ऐसे बाहर हो सकते हैं जिन्हें ज़्यादा जल्दी हो, तो ये भी ओके है, इतना खास अच्छा नहीं है। उसके बाद है प्राइस, प्राइस बहुत ज़्यादा है। न्यू प्रोफाइल, असल में मसला ये है, न्यू प्रोफाइल में ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो न्यू प्रोफाइल को 7,000 तो मुश्किल मिलेगा, कम से कम 15-20 हो तो फिर तो बंदा इतना चार्ज कर ले। उस वजह से बैड। और कंपटीशन, तो ये ज़्यादातर वैसे जो लग रही हैं गिग्स, इनका तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। तो इसमें डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है, इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत है, इतनी कम भी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत ही है, तो इस वजह से इसे मीडियम ही कह सकते हैं। प्रोफाइल रिव्यूज़ बहुत कम है, 5-1 और ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ये भाईजान किस्मत में भी 40 है। ये तो 100% ही है। इमेज भी परफेक्ट है।
अब अगर ये गीक की इमेज देखी जाए तो कोई इतनी खास अट्रैक्टिव नहीं है, एक्सट्रीमली बैड ही कहूँगा भाई मैं तो। और इसके अलावा जो मुझे सबसे बड़ा मसला लग रहा है वो ये कि सिर्फ एक गीक है, एक गीक हो तो उसकी इतनी ज़्यादा अथॉरिटी भी नहीं होती, तो कम से कम अगर आप किस्मत आजमाएं और 6-7 बना दें तो फिर उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे ऑर्डर। डिस्क्रिप्शन अब ये देखें, ये काफी ज्यादा हॉरिबल तरीका है लिखने का, अब इतना ज्यादा गैप दिया गया है, अब बंदा क्या कहे, पढ़ने वाला भी इंसान ही होता है। ये सही तरीके से इन्हें सेटअप भी नहीं किया गया, पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए था, उसके अलावा अगर इसे किसी लिस्ट में कर लेते ज़्यादा बेहतर था। भाई तो भाई अच्छा जी, बैड या ओके कह देते हैं, बस फॉर्मेटिक ठीक कर लें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लीग टाइटल ओके ही कहेंगे, वैसे कहना तो बैट चाहिए इन सबको, लेकिन फिर भी गुजारा है। ये ज़्यादा जेनेरिक नहीं है, अगर सीधा लिखा होता ना आई विल डिज़ाइन अ लोगो तो फिर जेनेरिक होना था, इस वजह से ओके कह सकते हैं। उसके अलावा इसकी प्राइसिंग बहुत बुरी की हुई है, शुरू में $5 से गुजारा करना पड़ेगा, और कंपटीशन इंतहाई हद का ज्यादा है, एक्सट्रीम लो। अब इसे 35 दे सकते हैं मेरी नजर में तो, इन भाईजान ने तो प्रोफाइल पिक्चर की भी तबाही फेरी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टैग लाइन होनी चाहिए, ये इन चीज़ों को बताने के लिए ये जगह है। उसके अलावा लैंग्वेज है भाईजान पाकिस्तान से, और उर्दू को ऐड ही नहीं किया, शायद इतनी नफरत है। अच्छा स्किल्स में सिर्फ एक स्किल है, कम से कम भाईजान को 7-8 तो लिखे हैं, तो मेरी नज़र में तो ये 70% ही है, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। उसके अलावा गीक इमेजेस को देखा जाए तो तबाही है ये भी, अब ये लग रहा है कि भाईजान ने गूगल से डाउनलोड की है या खुद ये तबाहकुन बनाई है। उसके अलावा ये भाईजान की इमेज भी सही नहीं है, तो लग रहा है जैसे इसे एडिट करके खींचा गया हो, एक्सट्रीमली बैड। अच्छा हे अट्रैक्टिव नहीं है ये भी, अब आप क्लाइंट को हे तो नहीं कह सकते। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये शायद कॉपी की है। हाँ अब ये देखें, ये पता नहीं किस किस ने कॉपी करके लगाई हुई है, स्टॉप रिलाइंग, ये लगता है किसी कोर्स में देख के कॉपी किया गया है, स्टॉप रिलाइंग पता नहीं कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। अब क्या कह सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा भाई दोबारा लिखवा लें, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये फैनी कन्फ्यूजन बहुत बुरी लिखी है, बहुत बुरी है।
टाइटल कह सकते हैं अच्छा है क्योंकि इसने काफी ज्यादा वर्ड यूज किए हैं। गुड। डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा रखा है और रिव्यू मुझे नजर नहीं आ रही है इस वजह से। ओके क्या देखते हैं क्योंकि प्राइस तो ठीक है, बाकी दो चीजों का ही मसला है। सर में लोग सही तरीके से रिसर्च नहीं करते, कम से कम कंपटीशन को देख लेना तो काफी आइडिया हो जाएगा क्या यूज करना चाहिए। मेरी नज़र में तो मीडियम ही है, रैंक किया जा सकता है। इसके अलावा ये नन है, अब इसको तो 30 देने चाहिए। ये भाईजान की टैग लाइन पढ़ के तो पता नहीं क्या ही महसूस हो रहा है। माई कस्टमर्स आर नॉट माई कंपेटिटर्स, आई कम्पीट फॉर देम नॉट विद देम। अब क्या कह सकता है बंदा, ये कोई नए शाकार लग रहा है। ये तो लगता है भाईजान ने शायरी कर दी है भाई। इस तरह की चीज़ें आप किसी शायरों की महफिल में कहें तो वो आपको वाह वाह कहेंगे, लेकिन फाइबर पे इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन्स। हाँ ये बहुत बुरी लिखी हुई है यार। सिक्सटी परसेंट ही कहूंगा भाई मैं तो। अब ये देखा जाए तो ये भी जेनेरिक है। एससी ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं। इमेजेस जो हैं वो भी सही, कोई प्रोफेशनल लेवल की नहीं बनाई गई हैं, तो अच्छी लेकिन स्क्रीन रेजोल्यूशन इश्यूज हैं। और ये पता नहीं चीता इधर क्या कर रहा है। इसके अलावा ये भी अब नॉर्मल सी है, कोई पता नहीं चल रहा क्या होना है। तो ये अगर एक्सपर्ट्स करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चलते हैं गीक डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब ये प्रॉब्लम फुल स्टॉप लगाया हुआ है आगे, इस वजह से मैं कहता हूँ कि कुछ काम जो है ना वो सिर्फ प्रोफेशनल्स को करने चाहिए। जब न्यू बंदा आके ये काम करता है ना तबाही फिरती है। अब ये देखें ये इधर कोमा लगाया हुआ है, हाय। अब इधर फुल स्टॉप, पंचुएशन की तबाही।
बाद 50% एक्स्ट्रा, अल्लाह ही जाने अब क्या एक्स्ट्रा है। इज देयर आर मिस्टेक्स, यार ये तो बड़ी तबाही है, एक्सट्रीमली बैड। अब खुद देख सकते हैं कि इनमें इतनी ज़्यादा खराबियां हैं, और अब खुद ही सोचें कि इन पे कैसे ऑर्डर आएंगे। अभी तक भी हमें कोई ऐसी नहीं मिली जो 50% से ऊपर गई हो। गिग टाइटल बहुत ज़्यादा जेनेरिक है, तो इसे बैड ही कह सकते हैं भाई। उसके बाद प्राइस एंड डिलीवरी, प्राइसिंग भी भाईजान ने काफ़ी ज़्यादा की हुई है, और इसे बैड कहेंगे। नीच तो अच्छी है, इसमें क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सर्विसेज बहुत थोड़ी हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से रैंक किया जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर लिए जा सकते हैं। और इसके लिए रिकमेंडेड ये है, ये देख सकते हैं ना आप, जिन्होंने वीडियो यूज़ की हैं सिर्फ वही रैंक कर रहे हैं ऊपर, तो एक अच्छी सी वीडियो बनवाएं किसी प्रोफेशनल को पैसे दे के। गुड नीज यहाँ पे लिखते हैं, और भाईजान के रिव्यूज हैं नन। अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई वर्ड हार्श लगे किसी को तो दिली तरफ से माजरत, क्योंकि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, और सिर्फ मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए एंड पे, काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा हाँ, अच्छा जी यहाँ पे स्किल्ड, पैशनेट, पैशनेट स्पेलिंग सही, कमिटेड, कमिटेड का स्पेलिंग गलत है। हाँ टू वर्क विद ऑनेस्टी, कमिटेड टू वर्किंग विद ऑनेस्टी गलत है यार, ये हर लिहाज से गलत है। टू हैव मैसिव सेल्स इज नॉट मेड डीमन ड्रीम नाउ बट इट कैन बी अ रियलिटी, डिजिटल मार्केटिंग इज द टूल दैट यू नीड चूजिंग द राइट। आई हेयर विद यू टू हेल्प इन बूस्टिंग, यार ये तबाही नज़र आ रही है मुझे हर लिहाज से। इंग्लिश यहाँ पे एक आधी और भी ऐड कर दें तो गुनाह तो नहीं होगा, यहाँ पंजाबी या उर्दू, पंजाबी का तो कन्फर्म नहीं है लेकिन उर्दू ऐड हो सकती है। उसके अलावा स्किल में कुछ और स्किल ऐड करें यहाँ पे, बाकी सारा कोई तो ठीक है। से 60 दूंगा भाई, आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। प्रोफाइल इमेज अच्छी है माशाल्लाह। उसके बाद गिग इमेज, गुजारे लाइक कह सकते हैं आप, ये मतलब है तो अच्छी लेकिन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ये देखें ना, ये डुप्लीकेट भी आपने किया हुआ है, वही सेम ऊपर यूज़ की है, वही सेम नीचे यूज़ की है। अब भाईजान की डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वेलकम टू माई गीक, गीक स्पेलिंग वैसे बड़े होने चाहिए। लुकिंग फॉर अ गूगल एस यू रैंक टॉप रैंकिंग्स और मोर ट्रैफिक ऑन वेब एट अ वेरी लो प्राइस, आर यू लुकिंग, अगर शुरू में आए ज़्यादा बेहतर है। गूगल एस यू टॉप रैंकिंग, वेल यू विल नेवर सी एनी फ्रीलांसर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस कंप्लीटली एट दिस प्राइस। इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। डो द वेबसाइट फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर माई क्लाइंट्स ऑडिट ऑफ वेबसाइट फॉर माई क्लाइंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑडिट रिपोर्ट विल बी सेंड टू क्लाइंट फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आई विल वर्क ऑन एरर्स फाउंड ऑन द वेबसाइट टू फिक्स देम बाई डूइंग ऑन पेज एसईओ और प्रीमियम योस्ट।
बड़ी अजीब सी लिखी गई है यार। अच्छा, ऑन पेज एसईओ प्लेज एन इम्पोर्टेंट एंड असेंशियल रोल इन इन इंडेक्सिंग वेबसाइट ऑन इंडेक्सिंग वेबसाइट ऑन टॉप इन गूगल रैंकिंग। ये भी तबाही है। वेबसाइट ऑडिट इज फ्री, यू कैन आस्क मी फॉर ऑडिट रिपोर्ट। ये ठीक है, लेकिन अब ये अब बैड और ओके के दरमियान है। अब इसे बैड ही कह सकते हैं, इतना खास अट्रैक्टिव नहीं है। गिग टाइटल, आई विल डू कंप्लीट ऑन पेज एसईओ फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट रैंकिंग। ओके कह सकते हैं, ये गुड भी नहीं है। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, न्यू बंदे इतनी प्राइसिंग नहीं कर सकते। ये देखिए, ये इस तरह की प्रोफेशनल होती हैं, तो कितने ज़्यादा कीवर्ड्स बंदे ने यूज़ किए हैं। कंपटीशन मीडियम लेवल है। रिव्यू 0 है। अब इस बंदे को तो बंदा 10 दे सकता है, या बल्कि थोड़े से ज्यादा देने चाहिए। आ 20 कर लेते हैं। डिजिटल एक्सपर्ट एंड लव्स आईटी। ठीक, आई एम प्रोफेशनल, आई एम आ प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेशनल ग्रोथ हैकर, डिजिटल मार्केटर एंड लीड जनरेटर। आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ। आई एम ऑफरिंग कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन वर्ड प्रेस वेबसाइट स्पीड अप गिग्स ऑन फाइवर। नाइन्टी दे सकते हैं, इतनी खास अच्छी नहीं है। और इमेज गुजारे लायक ही है, इतनी खास अच्छी प्रोफेशनल लेवल की नहीं ली गई। उसके अलावा इमेजेस को देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं नहीं, कितनी ज़्यादा जूम आउट हुई हुई है। तो इस वजह से ये जो इमेजेस हैं ना, ये जो प्रोफेशनल डिजाइनर होते हैं उन्हें बनानी चाहिए। से ओके कह सकते हैं, लेकिन है तो काफी बुरी कन्वर्जन रेट के हिसाब से। अगर आप एक दो इमेजेस और भी साथ ऐड कर देते हैं, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पे भी आपने कोई रिसर्च की होती, तो ज्यादा बेहतर इम्प्रेशन पड़ना था। इसके अलावा, यू वांट बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर नीच एंड यू वांट टू रैंक। शुरू में डू यू वांट मेरे ख्याल से आता ज़्यादा बेहतर रहना था। डू यू वांट बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर नीच एंड डू यू वांट टू रैंक हायर ऑन गूगल। यू वांट टू आउट रैंक योर कॉम्पिटिटर्स एंड यू वांट मोर लीड्स एंड सेल्स, यू वांट टू जनरेट मोर। फॉर्चुनेटली पंचुएशन की गलतियां हैं। यू आर ऑन द राइट गिग विच हेल्प्स यू, विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्टेंट इन अगेंस्ट। यार ये देखें, ये जुल्म करते हैं। अब वो कोई गांव का बंदा तो हो, तो बंदा इस तरह की इंग्लिश से काम चला लेता है, लेकिन हमने अंग्रेजों के साथ फड्डा लगाना है।
और इस तरह की इंग्लिश पढ़ के तो वो तो देखते ही दूर भाग जाएंगे। बैड, ये वेरी लाइक डिलीवरी टाइम 3 दिन है, ज़्यादा है, 1 दिन होना चाहिए। और रिव्यूज नज़र नहीं आ रही, अनलिमिटेड होनी चाहिए। बैड, ये देखें, ये अच्छे अच्छे टाइटल यूज़ किए हैं, इस वजह से ये रैंक भी कर रहे हैं। इनसे ही आप आइडिया ले लिया करें। नीच तो अच्छी है, मीडियम लेवल की, रैंक करना भी आसान ही है। आप भाईजान के रिव्यूज देखते हैं। रिव्यूज नन, और अब इसको मिलने चाहिए 15/100। अ डेडिकेटेड ग्राफिक डिजाइनर, अच्छी बात है भाईजान, होना चाहिए। अच्छा, हेलो, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। एवरी डिज़ाइन आई मेक इज 100% ओरिजिनल क्रिएटिव। यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए। आई हैव डिजाइंड लोगोज, बैनर्स, सोशल मीडिया किट्स फॉर मैनी ब्रांड्स एंड प्रोफेशनल ऑल ऑफ मिसिंग है यहाँ पे। ऑल ऑफ माई डिज़ाइंस आर ओरिजिनल एंड स्पाम फ्री। डिज़ाइन का स्पाम फ्री के साथ क्या तलक है, ये भी ले जाने। अच्छा, वर्कड विद सर्विस। अब ये देखें, ये भाईजान ने बगैर कोई फुल स्टॉप के नेक्स्ट लाइन शुरू कर दी है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ फेरते हैं। बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ हैं। ओहो, इतने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 90%। अच्छा, प्रोफाइल इमेज अच्छी लगाई है, माशाल्लाह भाईजान, प्यारे लग रहे हैं। ये इमेज हर लिहाज से बेकार, कोई इतनी खास अट्रैक्शन नहीं है इनमें। ये सिंपल 2 इमेजेस कॉपी करके ऊपर नाम लिख के, लो जी, तैयार हो गया सारा कुछ। ये इनमें भी काफ़ी मसले ही हैं। अब ये देखें, ये भी इतना खास, इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं दे रही। ये भाईजान ने अच्छा काम किया, लेकिन टाइटल जेनेरिक रखा है, इस वजह से ना भाईजान को ऑर्डर नहीं आ रहा है। टाइटल बैड, जेनेरिक है बिल्कुल। अच्छा, सिंबल्स आर कम्युनिकेटिंग। अब ये देखें, ये गलती, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, एग्जैक्ट। अब बंदा शर्म दिलाए, क्या कहे इन्हें, मतलब गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर जी रैंकिंग नहीं मिलती। यकीन करें, अगर मैं हर बंदे का चेक करता ना, तो मुझे तो डर है कि 90% की कॉपी पेस्ट निकलना था। तो मेरे खुदा, वो एग्जैक्ट चीज़ सारी लिखी हुई है। भाईजान, अगर आप सही नहीं बना सकते तो किसी प्रोफेशनल को हायर कर लिया करें। ये कॉपी पेस्ट जो तबाही है ना, यही वजह है कि फिर ऑर्डर नहीं आते और फिर बंदा जलील होता है।
मेहनत करनी चाहिए इस वजह से। अच्छा जी, इसको तो अल्ट्रा एक्सट्रीम लेवल ऐड करना चाहिए। कॉपी, चोरी, शर्म। अच्छा, सिल्वर, प्राइसिंग गलत, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, अनलिमिटेड होना चाहिए। बैड, हाँ ये भी जेनेरिक है, बैड। ओ कंपटीशन एक्सट्रीम ही होगा, भाई ने बिल्कुल जेनेरिक यूज़ किया सारा कुछ, और रिव्यूज़ भी बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो भाईजान के रिव्यूज़ भी ज़ीरो हैं बिल्कुल। अब इस बंदे को बंदा क्या कहे, इसे तो 5 देने चाहिए, यकीन करिए तो बंदा 5 के भी हकदार नहीं है अगर मुझसे पूछें तो। आई विल राइट वेल, रिसर्च रिसर्च आना चाहिए यार, ये शायद मैं भी गलत हूँ। आई विल राइट वेल रिसर्च एस यू आर्टिकल्स, रिसर्च होता है वैसे ज़्यादातर जो मैंने सुना है। अच्छा जी, हाँ ये भाईजान ने लिखा है कि वो डीवी थीम भी है, क्या बात है। अब बंदा क्या कह सकता है भाईजान को। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन, हाय आई एम वकास मेहरा, आई एम एम फिल स्कॉलर इन एग्रीकल्चर, माशाल्लाह। आई स्टार्टेड राइटिंग सिंस वाइल्ड वर्ड प्रेस, वाइल्ड वर्ड प्रेस का क्या मतलब हो सकता है, वर्ड प्रेस को भी राइट किया भाई जान। आई स्टार्टेड राइटिंग सिंस 2017 वाइल वर्ड प्रेस इन 2019, वाइल स्टार्टेड लर्निंग, या क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। नाउ प्रोफेशनली स्टार्ट कैरियर एज अ, यार ये इंग्लिश पढ़ के ना आपकी ये गिग तो कसम से किसी ने नहीं खरीदनी, इतनी ज़्यादा इंग्लिश की तबाही फेरी है ना आपने। थैंक यू, यहाँ पे मिसिंग है कोमा, आई नेवर कम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। यार अल्लाह के बंदे, इसको तो 5 दो यार। अच्छा, प्रोफाइल फोटो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बैकग्राउंड वैसे थोड़ा सा कस्टम हो जाता तो ज़्यादा प्यारा लगना था। फाइबर गिग इमेजेस, अच्छा, वीडियो यार इतनी अच्छी नहीं बनाई आपने, ये तो रैंडम इमेजेस को मिक्स कर दिया आपने। बैड, माई नेम इज़ वकास, हाय, ये जो सिर्फ हाय लिखते हैं ना, इनको भी अल्लाह ही पूछेगा। अब ये देखिए, वेल में डब्ल्यू को नहीं किया गया, बाकी इतने हिस्से को कर दिया गया, डब्ल्यू के साथ जुल्म हो गया। अच्छा जी, आई विल प्रोवाइड, हाँ यहाँ पे ठीक लिखा है, अब वहाँ पे वेल रिसर्च लिखा है, यहाँ पे वेल रिसर्च लिखा है। आई विल प्रोवाइड वेल रिसर्च एस यू आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट, हु विल या मेरे खुदाया। ये भी अल्ट्रा एक्सट्रीम बैड है यार, माफ कर देना, सॉरी भाईजान अगर आप देख रहे हो तो, एक्सट्रीमली सॉरी मेरी तरफ से। अच्छा, प्राइस ठीक है, के जबरदस्त, गुड। अच्छा, गिग टाइटल, गिग टाइटल यार आपने इतना खास नहीं लिखा, ऊपर से ये जो गलतियां लिखी हैं ना आपने, हीब्रू, अब ये देखो। अच्छा जी, गिग टाइटल, गिग टाइटल, गिग टाइटल ऐड है, गलतियाँ इसमें, नीच अच्छी है,
और मीडियम लेवल की लग रही है, इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं। अगर 10,000 ज़्यादा होती तो फिर एक्सट्रीम पे होना था। अच्छा जी, उसके बाद प्रोफाइल रिव्यू 0 है। ये जो लोग प्रोफाइल रिव्यूज़ पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, ये तो बड़े आला दर्जे का जुल्म करते हैं। इस बंदे को तो मैं दूंगा भाई, एक सच्ची जो बात है, इसने बड़ा जुल्म किया। अच्छा जी, अब चलते हैं उमेर सर्वर की तरफ। अच्छा, ये भाईजान ने तो टैगलाइन लिखी नहीं। ठीक, हाय माय नेम इज़ उमेर सर्वर, और यहाँ पे आना था फुल स्टॉप। आई एम एक्सपायर्ड डोमेन हंटर वाजवा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1 ईयर, सिंस लास्ट 1 ईयर। ये क्या है, सिंस लास्ट 1 ईयर? मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट 1 ईयर गलत है। लास्ट ईयर इन फाइंडिंग एक्सपायर डोमेन। भाई जान, 1 साल से एक्सपायर डोमेन ढूंढ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, आई एम पैशनेट अबाउट अबाउट की, यार स्पेलिंग देखो यार, खुदा का खौफ करो, इसे भी 5 देने चाहिए। आधी चीज़ें मिसिंग है और बाकी आधी में तबाही है। प्रोफाइल इमेज अच्छी लगाई है, बस ये सर कटा हुआ है इस वजह से। ओके, सर पूरा आना चाहिए यार बंदे को, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता लोगों पे। अच्छा, ये इमेजेस काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सी यूज़ की गई हैं, और ये कोई इतना ख़ास प्रोफेशनल नहीं लग रहा। और ये पता नहीं क्यों लग रहा है, जैसे गूगल से ज़्यादातर माल उठाया गया है। ओके कह सकते हैं आप, ज़्यादा बुरा नहीं मैं ऐसे कह सकता, क्योंकि ये बना हुआ है, दूसरों से काफ़ी बेहतर है। अब असल खतरनाक चीज़ की डिस्क्रिप्शन। हाय, वार्मली वेलकम टू माई एक्सपायर्ड डोमेन गीक। अच्छा जी, डोमेन हंटर, हाई क्वालिटी, स्टैंडर्ड डी है, स्टैंडर्ड पी है। भाई जान, अल्लाह जाने ये आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। और यहाँ पे भी ये तबाही फेरी है आपने यार, ना जुलम किया करो। फाइंडिंग डोमेन इज़ वेरी रिस्की एंड डेंजरस। अल्लाह माफ़ करे बंदे को, डरा के हार्ट अटैक देना। बैड यार। आई विल फाइंड इट इन द वे यू वांट। ये वाला जुलम ना किया करो। हाई स्टैंडर्ड एक्सपायर्ड डोमेन, बुरा ही है यार, बहुत ज़्यादा जेनेरिक है। प्राइस प्राइस प्राइस, 2 डेज, 2 डेज नहीं, और आपने अनलिमिटेड डिलीवरी भी नहीं की, इस वजह से बैड। एडमिन्स की नीच अच्छी है इसमें। वाह भैया, इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है वैसे, जितना सुन। इसमें गुड नीच, अच्छी नीच है भाई। अच्छा, प्रोफाइल रिव्यू 0 है। अब इस बंदे को किस चीज़ के नंबर देने चाहिए, अल्लाह जाने। इसके भी बनते हैं कोई 10/100, 10 ज़्यादा हो गए हैं बस, थोड़े से 5 कर देते हैं। अच्छे हैं। तो वाह मेरे खुदाया, ये सही से ज़्यादा बंदा है जो भी है इसके पीछे। माई नेम इज़ सलमान रजाक अहमद, आई स्पेशलाइज इन मैनी स्किल्स। वाह बिल्कुल, आई स्टार्टेड माई कैरियर विद फेसबुक एंड हैव बीन प्रोवाइडिंग दिस सर्वर फॉर
सर्विस फॉर द लास्ट 4 और 5 मंथ्स। ये यार और का क्या चक्कर है यहाँ पे। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड टू ऑफर माई असिस्टेंट ऑन 4। या अल्लाह या मेरे मौला 4। यार क्या जुल्म है यार, बेचारों ने इतनी मेहनत से 5 लिखा है और आपने 4 कर रहे। फाइवर इमेजेस बहुत बुरी हैं, बहुत ही बुरी हैं, और ये तो कोई इंतहाई बुरी है यार। अच्छा जी, और इसकी इमेज भी एक्सट्रीम लेवल की बुरी है, एक्सट्रीमेस्ट एक्सट्रीमेस्ट बुरी है। अब जो असल तबाही वाली चीज़ है वो इसके डिस्क्रिप्शन। आई एम एन एस यू एक्सपर्ट, दिस गीक, यस दिस गीक। आई एम प्रोवाइडिंग ब्लॉग कमेंट बैकिंग सर्विस। इफ यू रन योर वेबसाइट और ब्लॉग, यू से क्वालिटी बैकलिंक इज असेंशियल। तबाही है भाई, तबाही। गिग्स टाइटल, आई विल डू 100 नीच ब्लॉग कमेंट विद हाई डी। आई विल डू 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 आई विल डू 100 नीच ब्लॉग कमेंट विद हाई डी। पी ए भी आ गया ना यार, हाई डी ए पी ए। ओके लिख देते हैं, वैसे है तो अच्छा ही, कुछ चीज़ें मिसिंग नहीं है। 2 डेज बुरी बात, और यहाँ पे अनलिमिटेड सब जैसे, बल्कि इसे ओके कह देते हैं भाई, कुछ चीज़ें हैं अभी। अच्छा ब्लॉक कमेंट की नीच की क्या सूरत हाल है यार। वाह भाई वाह, काफ़ी आवाम ढूंढ रही है और इतनी सर्विसेज भी नहीं है। गुड नीच है यार, गुड नीच। ये जो गुड नीच है ना, ये एक हिडन इशारा भी है उन लोगों के लिए जो अच्छी नीचेज की तलाश में है। अच्छा प्रोफाइल रिव्यूज भाई जान के कितने हैं, मेरे ख्याल से नॉन नहीं थे। अच्छा जी नॉन। अब इसको तो -100/100 देने चाहिए, इसने मेरे पूरे 10 मिनट जाया कि बड़े ही गालम बन जाएगा। अच्छा वाह जी वाह, वेब डेवलपर एंड एसई एक्सपर्ट। यार ये चीज़ें नीचे लिखा करो, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लिखा करो जो बायर को अट्रैक्टिव लगे। अच्छा जी आई एम एसई एक्सपर्ट, आई हैव बीन डूइंग इंटरनेट मार्केटिंग फॉर मोर देन 9 ईयर्स, फॉर लास्ट 9 ईयर्स होना था भाई जान। सो आई अंडरस्टैंड वट इट टेक्स टू गेट योर वेबसाइट #1 टू #1 कह देते आप यार, वो ज़्यादा बेहतर रहना था। आई ऑफर टॉप क्वालिटी बैकलिंक सर्विसेज एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। 60 कह सकते हैं क्योंकि इतनी खास नहीं है यार, इसमें भी गलतियाँ हैं। अच्छा जी उसके अलावा आप चलते हैं गीक्स की तरफ, तो माशाल्लाह वैसे ये तो काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है गीक इमेज, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद थोड़ी सी छोटी भी है। लेकिन हक तो बनता है, अच्छा कहने का, परफेक्ट है भाई, भाई जान माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस पे कह सकते हैं गुड, लेकिन ये बाकी दूसरों के लिए नहीं कह सकते, लेकिन ये वाले गुड है। हाँ ये जो है ये इतनी अच्छी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, ये भी ठीक ही है काफ़ी हद तक, लेकिन इनमें थोड़ी विजुअल्स की कमी है। अच्छा इस बंदे ने अगर इनकी प्राइसिंग ठीक रखी होती ना, तो मेरे ख्याल से इसको ऑर्डर आ जाने थे अब तक। अच्छा आई एम एस यू स्पेशलिस्ट हैविंग 9 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई हैव वर्क
यार ये टेंशन का बड़ा अजाब है। आई हैव वर्क डालना था यहाँ पे। सो यू आर सर्चिंग एनी एक्सपर्ट टू इंक्रीज योर डोमेन अथॉरिटी। नहीं भाई मैं नहीं लगता पाया। हाँ वैसे मुझे पता है कि इस लेंथ तक जो है ना एक दो बंदे पहुँचते हैं, इस वजह से अब मैं थोड़ा ज़्यादा जोक्स यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, वट आई विल डू, वट विल आई डू, ज़्यादा बेहतर। आई नो हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट मोज डी ए वाइल डूइंग अ कंप्लीट 100% वाइट हैट लिंक बिल्डिंग। आई विल बी डूइंग पावरफुल बैक लिंक्स अकॉर्डिंग टू योर नीच। यार ये बड़ी अजीब किस्म की एक इंग्लिश लिखी गई है, इसे बैड कह सकते हैं, एक्सट्रीमली बैड तो नहीं लेकिन स्पेलिंग की गलतियाँ हैं। वैसे कहना तो एक्सट्रीमली बैड ही चाहिए, लेकिन गिग टाइटल। आई विल इंक्रीज डोमेन मोज डोमेन अथॉरिटी 50+ इन 30 डेज। अच्छा है यार, लेकिन 30 डेज देता कोई नहीं है ना, ये मसला है। डिलीवरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और शुरू, अब नीच के हिसाब से देखा जाए तो ओके कह सकते हैं। अब इसमें प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें ऑर्डर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तो इस पे रिव्यूज़ हो ना पहले कोई दो तीन, तो फिर तो शायद आ सकें, लेकिन उसके बगैर नहीं आ सकते ऑर्डर इस पे। इंक्रीज मोज डोमेन अथॉरिटी। अच्छा जी, डी ए डोमेन अथॉरिटी। नीच तो अच्छी है भाई जान की। प्रोफाइल रिव्यूज कितने हैं? 0 हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब इसको क्या अच्छी उम्र जो है, अच्छा टाइटल है, काफी मसले हैं, लेकिन 40 का हकदार तो है ये बंदा। ये दूसरों से हट के थोड़ा मुझे लगा है, उसकी गलतियां तो हैं लेकिन। आई विल प्रोफेशनल वेबसाइट। यार भाई ना कर, ये जुलम ना कर, यहाँ पे नाम नहीं लिखना था भाई, कोई कोई अट्रैक्शन वाली चीज़ लिखनी थी जो आपके यूज़र बायर को अच्छी लगे। अच्छा बुरा है, बहुत बुरा है। कम से कम आप 4 गिग्स तो बनाएं यार, ये तो दिल हारने वाली बात है। एक बना के तो किस्मत आजमाओ। अच्छा 100% कंप्लीट है, जुल्म ये है। आई एम अ फ्री लेंस वेब डिवेल्पर हैविंग 1.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डिवेल्पमेंट। वेब डिवेल्पर हैविंग 1.4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डिवेल्पमेंट थ्रू वर्डप्रेस एंड विक्स। काफ़ी अजीब सा जुमला बनाया। हैविंग एक्सपर्टाइज इन बोथ प्लेटफॉर्म डिज़ाइन एंड, यार ये जुल्म। सिर्फ 50% बनना चाहिए, इतनी खास अच्छी नहीं बनाई। प्रोफाइल इमेज ब्लैक एंड वाइट ओके कह सकते हैं यार, ये ब्लैक एंड वाइट वाला काम थोड़ा सा अजीब लगता है तो अच्छी माशाल्लाह लग रही, लेकिन प्रोफेशनल तो रंगीन ही लगती है। गिग इमेज एक्सट्रीमली बैड। और इसकी अबाउट दिस की ना करो यार, ये जुलम ना करो। अब इतना तो कोई दयालु ही होगा जो इसको देख के तो आपको कुछ दे देगा। गिग टाइटल एक्सट्रीमली बैड यार। प्राइस एंड डिलीवरी ओके कह देते हैं यार, प्राइस ठीक रखी है बंदे ने, बाकी चीज़ें ना भी ठीक रखी। नीच मीडियम लेवल ही है वर्डप्रेस, बल्कि हाई है, एक्सट्रीम कर देते हैं। रिव्यूज़ नन है और नन पे मुश्किल ही मिलता है आपको, कुछ होने चाहिए थोड़े से।
अच्छा, उसके अलावा अब इन सबको अगर जायज़ा लगाया जाए तो ये कम से कम 5 का हफ्तार तो बनता ही होगा। अच्छा जी, 4 रह गई हैं सिर्फ, इन्हें जल्दी जल्दी अब ख़त्म करें। यार वैसे ये इतना अजीब नाम रखने का क्या मकसद है? ये तो बंदा मस्ती में बना रहा था, उसने ऐसा अजीब नाम रखना। हाँ, ये मार्शल आर्ट्स की मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सक्सेस बिगेंस विद क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ये हुई ना बात। अच्छा, हेलो रिस्पेक्टेड बायर्स, दिस इज मोहम्मद अवैस सर्वर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली वर्किंग एज अ वेब डेवलपर इन US बेस्ड फर्म फॉर मोर देन 5 ईयर्स। आई ऑल्सो वर्क ऑन वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर, मेटी ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट्स एंड ब्लॉगर वेबसाइट्स। आई एम वेली फेमिलियर विद वेबसाइट डिजाइनिंग। अच्छा यार, ये जो आपने काम किया है ये भी एक जुल्म किया है। अब आप अपनी गिग्स की तरफ देखें और अपनी आप डिस्क्रिप्शन की तरफ देखें, मतलब इन दोनों में से कोई लग रहा है कि आपने गिग्स बनाई हुई या डोमेन अथॉरिटी के ऊपर और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है डिज़ाइनर के ऊपर, अब ये भी जुल्म ही है यार। देना तो इस लिहाज से आपको 40 चाहिए भी। आप जो आपने काम लिखा है उसके बिल्कुल उल्टा काम, आपके एसईओ के रिलेटेड है तो आप एसईओ के रिलेटेड कुछ लिखें, वो आपने एंड पे सिर्फ एसईओ का एक लफ्ज यूज़ किया। प्रोफाइल इमेज माशाल्लाह ज़बरदस्त, परफेक्ट वीक इमेज, ये मेरे ख्याल से तो शायद सब ने एक तरह की यूज़ की हुई है यार। ये इतनी प्रोफेशनल नहीं है, बैड ही सिखाऊंगा भाई। अच्छा जी, बैकनिंग विल रिमेन, ये मुझे पक्का लग रहा है जैसे कॉपी किया गया है, जैसे मैं एक दफ़ा देख लूँ। ये देखें, पाकिस्तानी अवाम, मजाल है कि एक लफ्ज़ भी चेंज किया। एक्सट्रीम लेवल बैड, एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल बैड, ये जुल्म है यार। आई विल इंक्रीज योर डोमेन अथॉरिटी इन मोज अप टू 50%, अप टू 50+। ये भी ठीक ही है, अच्छा है। प्राइस एंड डिलीवरी 5029 डेज विद 0 रिव्यूज नॉट पॉसिबल। इस वजह से नीचे को देखते हुए ओके कहना पड़ता है, लेकिन इस तरह मुश्किल गया। ये गिग्स तब वर्क करती हैं जब आपके पास कोई और गिग्स भी हों और उन पे अच्छे रिव्यूज़ हों। कंपेटिटिव नीचेज, इसका मीडियम लेवल ही है, नीच अच्छी है वैसे ये भी। प्रोफाइल रिव्यूज नन है, और इस भाईजान को भी देने चाहिए -1। ये जो कॉपी करते हैं ना, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कॉपी करके तो देखते हैं, फिर कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं आते, मजाक हो रहा है इधर। इन भाईजान ने मेहनत तो माशाल्लाह काफी जबरदस्त की है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इनका प्राइसिंग का मसला है, शायद इस वजह से नहीं आ रहा। अच्छा जी, आई एम ए ब्लॉगर एंड एसईओ एक्सपर्ट हैविंग 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दीज फील्ड्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जुमला है। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वर्क हार्ड एंड परफॉर्म वेल, माशाल्लाह। आई विल गिव यू द बेस्ट सर्विस एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद दैट, ज़बरदस्त। फॉर मोर देन 4 ईयर्स आई हैव हेल्प्ड बिजनेसेस टू गेन हायर विजिबिलिटी ऑन गूगल, माई गोल इज क्वालिटी। आई विल एक्सप्लोर योर आइडिया एंड प्रोवाइड द बेस्ट सोल्यूशन एंड प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन। इस वजह से भाई मैं आपको 20% काटूंगा। या 20% थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, 90% अच्छे हैं भाई जान। ठीक है, बस थोड़ी स्पेलिंग की गलतियाँ कर गए हैं, और प्रोफाइल फोटो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लेकिन इसे थोड़ा सा प्रोफेशनल और बनाया जा सकता है। ये थोड़ी सी शादी की लग रही है मुझे। गिग इमेजेस भी माशाल्लाह ज़बरदस्त, परफेक्ट है, पिक्सल परफेक्ट, अगर आपने खुद बनाई हो तो।
ज़्यादातर मुझे ये भी डर रहता है ना कि ज़्यादातर जो ज़्यादा अच्छे हो उसके डाउनलोडेड होने के भी चांसेस होते हैं। हाँ दैट इंडस्ट्रिंग इफ यू वॉन्ट टू इंडेक्स मोर बैकिंग्स दैट आर नॉट लिस्टेड इन माई गिग जस्ट पिंग मी एंड आई विल क्रिएट अ कस्टम ऑर्डर फॉर यू। यू हैव बिल्ड ग्रेट लिंक्स टू योर वेबसाइट दैट्स ग्रेट बट दे आर पॉइंटलेस बट इट्स पॉइंटलेस अनटिल यू गेट दम इंडेक्स इन गूगल द गुड न्यूज़। यहाँ पे यार फुल स्टॉप आना है फुल स्टॉप फुल स्टॉप। द गुड न्यूज़ इज आई एम ऑफरिंग माई टाइम टेस्टेड 100% वाइट हैट इंडेक्स माई टाइम टेस्टेड पर्सनली टेस्टेड लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहना था। ये माई टाइम टेस्टेड तो कोई और ही मतलब बन जाता है। टू यू ऑन फाइवर सो यू कैन टेक एडवांटेज गेटिंग क्रेडिटेड टू योर साइट की। बहुत अजीब सा लफ्ज़ यूज़ किया मैंने पता नहीं का क्या मतलब है। आप इसे सादा लफ्जों में कह सकते थे कि मतलब इंडेक्स हो जाएंगे। अच्छा जी व्हाट विल यू गेट फॉर सर्विस ऑफ गेटिंग योर वेबसाइट और ब्लॉग इंडेक्स्ड विद इन इंडेक्स्ड ईडी आना है विद इन 24 आवर्स और लेस आई कैन हेल्प इंडेक्स योर एफिलिएट सेल पेज। प्रूफ इमेज ऑफ योर वेबसाइट ब्लॉग और अदर लिंक्स यू विश टू इंडेक्स शोइंग यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की जरूरत है। आई यूज टेक्निक्स दैट गूगल नॉट ओनली रिकमेंड्स बट इज अर्जिंग वेब मास्टर टू बी यूज्ड। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश की गलतियाँ हैं। वीक डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं ओके है। और टाइटल आई विल इंडेक्स योर बैक लिंक्स टू बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग्स। रैंकिंग्स होता है भाई रैंकिंग्स। आई विल डू कंप्लीट ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर वेबसाइट या इस तरह करके। अच्छा आई विल डू इन डेप्थ एसईओ कॉम्पिटिटर रिसर्च फ्रॉम एच रेफ्स एंड सैम रश। ठीक ओके कह सकते हैं क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए हुए। तो इसके दो ही मसले लग रहे हैं। एक तो ये कि ये टाइटल सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं हुए। डिस्क्रिप्शन इम्प्रूव होने वाली है। इमेजेस परफेक्ट है और बाकी सारा कुछ ठीक है। प्राइसिंग ठीक ही लग रही है मुझे काफ़ी हद तक। वन डे यहाँ पे अनलिमिटेड रिव्यूज भी आप कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। मीडियम हाँ लगता है मीडियम की स्पेलिंग ही गलत आ रही। अच्छा जी कॉम्पिटिटिव नीचेस नीच 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 इंडेक्स योर बैक लिंक्स मीडियम लेवल गया। ये देखा ना ये जिस तरीके से इन्होंने टाइटल बनाया आगे आवर्स भी लिखे हैं तो ये अमाउंट भी लिखी हुई है। इस तरीके के ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये पहला है जिसके गुड है तो इसे देंगे अब 70 देंगे। ये माशाल्लाह सबसे अच्छी रही है प्रोफाइल जितने भी चेक की। चलो शुक्र है किसी ने तो दिल खुश किया। शुमाइला एसईओ माई मोटो इज क्वालिटी सर्विस एंड योर सेटिस्फैक्शन इज माई गोल। ठीक अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर विद वेल प्रूवन अबिलिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सर्च इंजन मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्डप्रेस
इसको इम्प्रूव किया जा सकता है काफ़ी अच्छा। उसके अलावा लैंग्वेजेस में उर्दू ऐड की जा सकती है, स्किल्स सही ऐड किए गए हैं। आप यहाँ पे ये आ सकता था वैसे, माई मोटो इज क्वालिटी सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो ज़्यादा बेहतर रहना था। अच्छा जी, ये जेनेरिक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आपको। यहाँ पे अगर इस तरीके का होता ना, आई विल ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर गूगल पे स्पीड या लाइट हाउस, वो उन पे ज़्यादा बायस आते हैं, या इन 24 आवर्स, इन 6 आवर्स, या टू ऑफ योर वेबसाइट्स। चलिए और सेवेंटी परसेंट इसे कह सकते हैं, इतना खास नहीं है। अच्छा, प्रोफाइल इमेज परफेक्ट क्लिक देते हैं। फाइवर की इमेजेस अच्छी हैं। गिग डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू लाइट हाउस रूल्स रैंकिंग योर साइट विल ऑटोमेटिकली गो डाउन इफ योर वेबसाइट इज पुअरली ऑप्टिमाइज एंड पेनलाइज इन सिस्टम एज रैंकिंग। ये पता नहीं क्या अजीब चीज़ लिखी हुई है, एज रैंकिंग दिस सिचुएशन विल किल योर साइट ट्रैफिक एंड रेवेन्यू स्ट्रीम। साइट की रेवेन्यू स्ट्रीम, अच्छा। आई कैन फिक्स दिस इश्यूज एंड मेक योर साइट सुपर फास्ट लाइक अ रॉकेट। इट विल बी डन प्रोफेशनली विदाउट अफेक्टिंग योर साइट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। मिनीफाई एच टी एम एल, अच्छा जी ठीक। रिमूव एड रिक्वेस्ट, प्लगइन रिव्यू, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रिजल्ट्स, होम पेज। यहाँ पे व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आ जाता, ज़्यादा बेहतर रहना था। होम पेज ऑप्टिमाइजेशन टू लोड, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेहतर रहना था। इंक्रीज जी टी मैट्रिक्स किस पैलन का लाते हैं, वही मैं सोच रहा था, मी आना इधर। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र का यू बड़ा हो जाता, ज़्यादा बेहतर था एक्सपीरियंस का ही। रैंकिंग का और बड़ा हो जाता, लोडिंग टाइम लेस देन 3 सेकेंड। नोट के आगे कॉलम, फर्स्ट सेंड मी यू आर एल बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, इतनी खास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गुजारे लायक है, बहुत गलतियाँ हैं इसमें। ओके, सिर्फ कह सकते हैं गुजारे लायक है, बड़ी मुश्किल से। टाइटल बैड है। प्राइस एंड डिलीवरी रिव्यूज अनलिमिटेड होनी चाहिए, इस वजह से ओके मिलेगा। कॉम्पिटिटिव है, सुपर फास्ट, अच्छी नीच है, जगह है अभी तक इसमें काफ़ी। अच्छा, प्रोफाइल रिव्यूज, नॉन। अच्छा, इन सब को अब देखा जाए तो 70 बैड, ओके। 60 या बल्कि 50, 50 दिए जा सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। अच्छा जी, लास्ट वन, बायर का बी बड़ा होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन का एस बड़ा होना चाहिए, एफ बड़ा होना चाहिए, पी बड़ा होना चाहिए। हेलो पोटेंशियल क्लाइंट्स, अब्दुल वासित है, आई हैव एक्सपर्टाइज लफ्ज होता है भाई जान, इन SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग। माई गोल इन SEO इज़ कि
क्रिएटिंग सक्सेसफुल SEO कंपेन। आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 2 ईयर्स एंड हैव प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी सर्विसेज टू माई मैनी ऑफ माई कस्टमर्स टू मैनी कस्टमर्स। वही सोच रहा था कस्टमर किस पालन वाला था। इफ यू आर रेडी टू मेक अ प्रोजेक्ट विद मी आई एम। बड़ी अजीब सी लिखी हुई है भाई जान, क्या कह सकता हूँ। 40% मिलेगा भाई, सॉरी। अच्छा अच्छा जी, उसके बाद प्रोफाइल इमेज माशाल्लाह जबरदस्त, थोड़ा सा अगर सर पूरा नजर आ जाता ज्यादा बेहतर रहना था। पर्सनल रिकमेंडेशन है वैसे। उसके बाद इमेजेस बुरी हैं, ज़्यादा बुरी तो नहीं कह सकते लेकिन गुजारे लायक हैं, लेकिन इन इम्प्रूव कर लिया जाए तो बेहतर है। गिग डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे असल खड्डा खुलेगा। हाय देयर, आई एम अब्दुल बासित एंड एन होस्टेलिक। स्पेलिंग ठीक है इसका, चलो ये ठीक है। एस ए स्पेशलिस्ट विद ओवर 3 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टाइज। आप ये देखें यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आई विल इंक्रीज योर वर्डप्रेस स्पीड। वाई इज पेज स्पीड इम्पोर्टेंट? दा का डी बढ़ाना है और टी बढ़ाना है। द फास्ट वेबसाइट ऑलवेज रैंक्स फर्स्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ योर वेबसाइट। पुअर वेबसाइट स्पीड मेक्स नेगेटिव यूजर एक्सपीरियंस। यहाँ तो ख़त्म हो जाना चाहिए था इज नॉट। अब ये देखें दोनों को आपने तोड़ मरोड़ दिया। गूगल लव्स स्पीडी वेबसाइट्स। अच्छा जी, ये लोअर बाउंस डेटा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। माई सर्विस टाइम बढ़ाना चाहिए था। अच्छा व्हाट विल आई डू, वाई बढ़ाना चाहिए था। ऑफन इंक्रीज इन सेल्स एंड रेवेन्यू विल इंक्रीज फेस स्पीड यू विल गेट बिफोर एंड आफ्टर जी ट्री मैट्रिक्स के। स्पेलिंग बड़े हो जाते बेहतर था। यू विल गेट फ्री सिक्योरिटी एंड अटेंड। अच्छा जी, बोनस के आगे डार्ट नहीं आना चाहिए था, ये आ जाता ज़्यादा बेहतर है। सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। तो अगर आप टाइटल में भी लिख देते तो अच्छा। आई विल मेक 85 पेज स्पीड। अच्छा टाइटल में नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे ही कहीं मेंशन कर देते इमेज में ये वीडियो में। अच्छा आई विल मेक 85 गूगल पेज स्पीड इन साइड स्कोर इट मैट्रिक्स। ओके कह सकते हैं लेकिन है तो काफ़ी हद तक बुरी। आई विल मेक 85 गूगल पेज स्पीड इन साइड स्कोर जी टी मैट्रिक्स वर्डप्रेस। आई विल मेक जी टी मैट्रिक्स एंड गूगल गूगल पेज स्पीड इन साइड स्कोर अप टू 85। इस तरह का ज़्यादा बेहतर था। आपने ये सारा कुछ मिक्स किया हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे तो। प्राइस बहुत ज़्यादा है, कोई ऑर्डर नहीं आएगा इस पे। बैड, नीच तो अच्छी है, बहुत लोग हैं और वर्डिक्ट इसकी है 20-20 दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सब का मैंने रिव्यू किया है और मेरी नज़र में तो मुझे सिर्फ ये एक सिर्फ ये नज़र आई है प्रोफाइल इस काबल जो ऑर्डर लेने के काबल हो। बाकी सारी जो है ना ये खुद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही फैलाई हुई है आपने हर लिहाज से। आप वो जो आप बायर होते हैं ना वो भी इंसान होते हैं, उनको आप इंसान नहीं जानवर समझते हैं, इस वजह से आप इतनी ये अजीब सी चीज़ बना के तो फेंक देते हैं। मतलब एक चीज़ जिस पे आपने अपना फ्यूचर चलाना है सारा, उससे पैसे कमाने हैं, अपना घर का सारा खर्चा निकालना है। मतलब 20 साल जलील, यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब लोग 20 साल जलील होने को तरजीह देते हैं। अब यहाँ पे वो एक दो दिन निकाल के आराम सुकून से कोई 1,000 रुपया लगा के
ये अच्छी से गिग की इमेज नहीं डिज़ाइन करवा सकता, उसकी अच्छी से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवा सकता। अब ये तो हालत है। तो ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह वीडियो भी बहुत जल्द लाइव हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।